குத்துகத்தா செடியா நெறி காரி இம்பதாடி ஓ ஜிந்தே நெறி குத்துவே கனடா अम्मा मेरी आना कदी घरे जो रोई रोई अखियां सुखी गया पानी मेरे। ये वो लाइंस थी जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया था सांझ फिल्म बनाने की। ये वो गाना था जिसने इंस्पायर किया बहुत से लोगों को घर वापस जाने के। क्यों? क्योंकि बात होती है बूढ़ी माँ के घर में अकेले रहने की। उसी तरीके से आज हम बात कर रहे हैं बूढ़े माँ बाप के घर में अकेले रहने के बारे में। वेलकम टू द स्टोरीज फ्रॉम द माउंटेन्स। एक और कहानी, एक और एपिसोड। आज की कहानी कुछ अलग है, भावनाओं से भरपूर। ऐसी कहानी जो बात करती है गांव में रहते हुए अकेले बूढ़े माँ बाप की, बुजुर्गों की। सुखवाना रात कुड़ियो चिड़ियो, सुखवाना रात राजे दे बेड़े हो। सुखवाना रात कुड़ियो चिड़ियो, सुखवाना रात तरा जे दे बेड़े ना। थक जगह जब भी कोई मित्र या कोई दोस्त आ, दोस्त जगह के मित्र उनका बड़ा प्रेम उनका सोचा उनका चलेगा उनका मरेगा उनका तसेरा बनूं नहीं दारा मेरा दोस्त हुए। बैरी जरा बैरी मरेगा चता बनूं नहीं दा जहाँ वो यार बैरी है मेरा मतलब मेरा बैरी हुआ ना मरे हुआ ना ये राला दो गला आ सुबह तो खारी खोटे जिन्हें कदी भूये ना संभर बारी बैरे पाया डू जिंदगी के बैरे पाया डू तम रूनिंद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इनॉक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। और अगर आपको हमारी ये सीरीज़ हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो हमारे लिए आप सुपर थैंक्स ज़रूर करें। उसके लिए आपको जस्ट थैंक्स बटन पर क्लिक करना है और अपनी तरफ से जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो करना है। बूढ़ी अम्मा गांव में आज अकेली रहती है, परिवार इनके साथ नहीं है। इनके पति बहुत सालों पहले थमसर पास क्रॉस करते हुए गुजर गए थे, उसके बाद से जिंदगी इन्होंने अकेले ही काटी है। लेकिन आज भी अपना सारा काम खुद करती है, गाय भी रखी है, खेतों का काम भी करती है, घर में खाना बनाने के लिए लकड़ी भी लेके आती है और अपना खाना भी खुद बनाती है। तबो पर्वता उवाले ना जो अजाइए बरूरे हे ओ इवे बरूरे अते किया लंगा लाना अते डोली अप आने ए जो आऊं के लिए रेंदी इस घरे
छोटा छोटा इस घरे रहता तो वहाँ बड़ा बड़ा बूंद रहता एक यहाँ ये पार यहाँ ये इस घर पूरे किनारे मकान घोड़े घोड़े चिल्लाता वो मेरा लड़का नीचे एक तीसरा एडी सा मकान एक ऊपर बड़े के छोटा जी तीसरा ऊपर किनारे ऊपर वहाँ ये मकान तो तुस गाय भी पाल रही कल ले गाय अभी देख खाए खाना खुना अपना सब हाँ आप बना दी गाय भी पाल रही मटन रंदे सौगी थी ना सौगी रंदी तू आ दें दे खान खर्चा तू आ दें दे खान खर्चा मेरे दे भी आप अपने चल जान दे ना लोग तुस जान दे नहीं अपनी लाड़ी लिया चल जान दे बस आप वहाँ से तारे रहते थे फिर माल को मेरा मर गया कभी मत साल हुआ कोई भी भाई साल हो गए गुदर गया जो तक यहाँ दिया गुदर रहा पूरे घोड़े सो भी लग रहा थे आना रीड के नहीं रहा नहीं कोई पता लगा ऐसी ये थी ना ये पन्ने टू आंधा ना ऐसे ये पन्ने टू लड़े ये नहीं मर रहा पत्री थी है ना पता नहीं है ये बैठ रहा है ये बैठ रहा मर रहा है कोई पता नहीं होगा बी भाई सालू के तारे दिखा से तारे ना फिर यहाँ आप उतारे रहेंगे बस मत ठेली बच्चे नहीं बोलते तो सर्वे सॉन्गी रहा हुआ बोल दे तू तो चल जा घोड़िया बोलता मुँह सोगी ले जानी आप किस जान अपने घर के नहीं जान दे सियाने आदमी केड़ी हंड के ना बोल ले मुल खा के केड़ी हंड के ना लो करे मुझे लगता है कि सांझ की सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन इन अम्मा से मुझे मिली थी देखिए जरा इनको अपनी जिंदगी अकेले बिताती हैं लगभग 100 साल की हो गई है लेकिन आज भी एक गाय घर में पाल रखी है ताकि दूध की कमी ना हो उसके लिए घास भी अकेले लेके आती हैं घर का काम भी अकेले खुद करती हैं और अकेले अपनी ज़िंदगी बिता रही है हमारी इस जर्नी के दौरान हम बहुत सारे लोगों से मिले हमें बहुत सारे लोगों से बात करने का मौका मिला बहुत सारे बुजुर्ग मिले उनमें से एक बुजुर्ग ऐसे हैं जिनसे ना हम बात कर पाए ना हम पर्सनली मिल पाए लेकिन दूर से उनको रोज देखते रहे वो सुबह उठते हैं अपना काम करते हैं सिर्फ अपनी बालकनी में बर्तन धोते हुए नजर आते हैं पूजा करते हुए नजर आते हैं सूर्य को नमस्कार करते हुए नजर आते हैं इनके परिवार में कौन है कौन नहीं है मैं नहीं जानता शायद हम में से कोई नहीं जानता लेकिन जितनी बार इनको देखा ये अकेले ही नजर आते हैं अकेलापन सबको खलता है
कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता, लेकिन फिर भी अकेले रहने पे मजबूर हो जाते हैं, फिर चाहे जवान हो चाहे बूढ़े। जवान जहाँ शहरों में अकेले हैं, उसी तरीके से बुजुर्ग हमारे आज गाँव में अकेले हैं। जवान शहरों में एक नए भविष्य की तलाश में निकले हैं, तो हमारे बुजुर्ग अपने गाँव को, अपने देहात को छोड़ना नहीं चाहते। जहाँ उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी काटी है, उस ज़िंदगी का अंत भी वहीं पर चाहते हैं। किसी का दोष नहीं है, सब अपने लिए मजबूर हैं। किसी को भविष्य बनाना है तो किसी को अपने गांव में रहना। आज के इस एपिसोड को हम ख़त्म करेंगे उस गाने के साथ जिसने बहुत से लोगों को इंस्पायर किया घर वापस आने के लिए, जिसने हमें याद दिलाया कि गांव में हमारा आज भी कोई इंतज़ार कर रहा है। वो गाना जो बहुत से लोगों को रुला गया, मैं बात कर रहा हूँ पूछे अम्मा मेरी। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ सुन लीजिए और उसके बाद गाना भी ज़रूर जाकर देखिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए इनॉक्स एंटरटेनमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। पूछे अम्मा मेरी होना कदी घरे जाओ, रोई रोई अखी।